200 एशिया कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की नजर अब वर्ल्ड कप पर है। टीम इंडिया साल 2011 के बाद इस खिताब को अपने नाम करने की तैयारी में जुटी है। भारत 5 अक्टूबर से होने वाले वर्ल्ड कप से पहले वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी। भारतीय क्रिकेट टीम की नजर वनडे क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट को जीतने पर होगी, मगर इससे पहले आइए जानते हैं भारतीय दौरे पर ऑस्ट्रेलिया की टीम कितने मैच खेलेगी। भारतीय दौरे पर कंगारू टीम वनडे और T20 सीरीज खेलेगी। विश्व कप से पहले 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। विश्व कप के बाद T20 सीरीज का आयोजन होगा, तब कंगारू टीम 23 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच T20 मैच खेलेगी। चलिए अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का मैच कब खेला जाएगा। वनडे सीरीज की शुरुआत 22 सितंबर को होगी, दूसरा मुकाबला 24 सितंबर को खेला जाएगा और तीसरा मुकाबला 27 सितंबर को खेला जाएगा। वहीं बात करें वनडे सीरीज के मैच कहां कहां खेले जाएंगे और तीनों मैच कितने बजे शुरू होंगे, तो आपको बता दें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच मोहाली, दूसरा इंदौर और तीसरा राजकोट में खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के तीनों मैच दोपहर 1:30 बजे से खेले जाएंगे। वनडे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 146 वनडे मैच खेले गए हैं। इस दौरान कंगारू टीम ने 82 मैच जीते हैं। वहीं भारत को 54 मुकाबलों में सफलता मिली है और 10 मुकाबलों का कोई रिजल्ट नहीं निकला। भारत और ऑस्ट्रेलिया सीरीज के मैच किस टीवी चैनल पर देख सकते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग कहां पर होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का सीधा प्रसारण स्पोर्ट्स 18 चैनल पर होगा। वहीं डीडी फ्री डिश इस्तेमाल करने वाले दर्शक डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में मैच देख सकेंगे। ऑनलाइन आप जियो सिनेमा ऐप और वेबसाइट पर फ्री में तीनों मैच देख सकेंगे। साथ ही इस मैच से जुड़ी हर खबर आप यूट्यूब चैनल डेली क्रिकेट अपडेट्स पर देख सकते हैं। अब सबसे अहम बात करते हैं कि सीरीज के लिए दोनों टीमों में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। भारतीय टीम ने शुरुआती 2 वनडे मैचों के लिए विकेट कीपर KL राहुल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, रविंदर जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, रविचंद्र अश्विन और वाशिंगटन सुंदर को चुना है। इस टीम में कप्तान की भूमिका KL राहुल संभालेंगे और उप कप्तान की भूमिका रविंदर जडेजा संभालेंगे। तीसरे मैच के लिए भारतीय टीम ने रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, रविंदर जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन और वाशिंगटन सुंदर को चुना है। इस टीम में कप्तान की भूमिका रोहित शर्मा संभालेंगे और उप कप्तान की भूमिका हार्दिक पांड्या संभालेंगे। सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करें तो कप्तान पैट कमिंस, सीन अबोट, एलेक्स कैरी, नाथन एलिस, कैमरॉन ग्रीन, जोश हेजलवुड, जोश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, मार्नस लाबुशेन, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, तनवीर सांगा, मैट शोट, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्कस टोनिस, डेविड वॉर्नर और एडम जंपा। दोस्तों आपको आज की जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और क्रिकेट की हर जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।